हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला अलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चले के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। क्या नाम है? हमारा इस्लाम। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम, प्रोग्राम है हमारा इस्लाम। और प्रोग्राम में होता क्या गया है आप सबको तो पता होगा, कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसको सारे सेगमेंट का नाम पता हो, देख लें। चलें आपसे भी लेते हैं और आपसे भी लेते हैं, जिससे ज़्यादा बताए ना तो वो उसके नंबर हो जाएंगे, ठीक है? जिसने कम बताए तो उसके नंबर नहीं मिलेगा। टीम ए और टीम बी, चले पहले टीम ए। आप मैं हिसाब किताब, फाइंड मिसिंग लेटर, कैलेंडर एक्टिविटी, बॉक्स एक्टिविटी, तिलावत कुरान पाक, अच्छी बातें। फाइव फोर। कौन है वो, क्या है वो, कौन है वो, क्या है? आए अरबी सीखे, वो कहाँ होता है? चलो ठीक है, नहीं आपने नहीं बता, आपने नहीं बताना। फाइव फोर थ्री टू वन। आपने बताया आठ नाम, अब देखते हैं आप कितने बताते हैं। अरबी सीखे होता है ये माना जाएगा आपका। फंडामेंशन लेटर, कैलेंडर एक्टिविटी, कलाम आयत पाक पढ़े, तिलावते कुरान पाक, कैलेंडर एक्टिविटी। ए हो चुका था। हिसाब किताब हो गया, हो बता दिया ना? नहीं नहीं, हिसाब किताब नहीं बताया था। वो कौन है वो क्या है, इन्होंने नहीं बताया ना, आपने बताया ना। ढूंढ कर लगा बता दो, जीत जाएंगे आप। बॉक्स एक्टिविटी और टीम बी का एक मार्क्स हो गया, हो चुका है माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, बेशक दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उससे कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो सवाल भी होता है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से, तो आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे से
शुरू होती है। तो प्यारे बच्चों और किड्स में देखिए नाज़रीन अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। तो अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله माशाल्लाह माशाल्लाह। कर सब अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किस्मत दिन से लेकिन नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कलाम। क्या नाम है? कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला Mm-hmm.
सल्ले अला करी बेना सल्ले अला दिन 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 हुजूर ऐसा कोई जाए
سبيل حمد حد خير لنا اللہ. اللہ پاک آپ کو بھی اور ہم سب کو اللہ پاک بار بار اپنی فیملی کے ساتھ باشوق باادب حاضری مدینہ حاضر مکہ نصیب فرمایا, آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چلے کے ناظرین, کچھ ایکٹیویٹیز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, تو پہلی کون سی ایکٹیویٹی شامل کرنی چاہیے؟ پہلے کچھ آسان آسان سے نہیں کر لیں؟ آسان آسان سے کر لیتے نا پہلے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چلے کے ناظرین, آسان میں ہوگا کیا ویسے؟ آسان سوالات. ویسے آسان تو کیلنڈر ایکٹیویٹی بھی ہے, آسان تو حساب کتاب بھی ہے, اور آسان سوالات بھی ہیں. لیکن کچھ آسان آسان سوالات کرتے ہیں بچوں سے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چلے کے ناظرین, اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں آسان سوالات ہے, ٹیم اے بھی ہے, ٹیم بی بھی ہے. دیکھتے ہیں آج ٹیم اے آگے جاتی ہے, ٹیم بی. ویسے ٹیم بی کا تو ایک مارکس ہے نا ویسے بھی پہلے سے. تو سوال ہے ٹیم اے سے, کوئی آپس میں مشورہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی بتائے گا بھی نہیں. سوال ہے ٹیم اے سے, قرآن پاک میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن الفاظوں کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جی دے مائک. نہیں نہیں بیٹھ کے بیٹھ کے. اے ایمان والو, اے ایمان والو. اچھا چلیں اور کوئی جواب دے گا؟ چلیں برابر میں مائک دیں. اے ایمان والو, اے ایمان والو. چلیں برابر میں مائک دیں. اے ایمان والو, اے ایمان والو. چلیں برابر میں مائک دیں. اے ایمان والو. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو. میرے پاس آپشن تھے, سوال تھا قرآن پاک میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن الفاظوں کے ساتھ پکارا گیا ہے. آپشن تھا اے بنی اسرائیل, اے ایمان والو, اے ہدایت پانے والو. آپ نے کہا اے ایمان والو, اور آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. ٹیم بی, معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد حرام سے کس مسجد کی طرف سفر فرمایا؟ آپشن دو. چلیں بتائیں. آپشنس مسجد اقصی, مسجد نبوی, مسجد قبلتین. مسجد اقصی. مسجد اقصی. چلے برابر میں مائک دیں. مسجد اقصی. مسجد اقصی. چلیں بتائیں. مسجد اقصی. مسجد اقصی. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ چلیں مائک دیں. مسجد اقصی. مسجد اقصی. اور ٹیم بی کا بھی جواب درست ہے. جی ٹیم اے کی طرف آ چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن تک مسلسل سفر کرتی رہی؟ آپشن دو. بتا دیں گے؟ اچھا چلے پھر بتائیں. ڈیڑھ سو سال. ڈیڑھ سو سال کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سو پچاس سال. ایک سو پچاس کتنے ہوتے ہیں؟ 150. 150 سال. جی برابر میں. ڈیڑھ سو دن. ڈیڑھ سو دن, مہینے بھی نہیں دن. انہوں نے تو سال کہا ہے, سوچ لیں. ڈیڑھ سو دن. ڈیڑھ سو دن. اچھا چلیں برابر میں مائک دیں, یعنی کہ پیچھے مائک دیں. ڈیڑھ سو دن. ڈیڑھ سو دن. اچھا چلیں بتائیں. ڈیڑھ سو دن. چلیں آپ بھی بتائیں. ڈیڑھ سو دن. ابھی آپ کا جواب درست مانا ہے یا ان کا جواب؟ نہیں نہیں مائک دیں. یہ کیا بتاتا؟
अच्छा ना आपको जो लगता है ना आप वो बताएं। इनका दोनों का दुरुस्त मान लो। अच्छा माइक दें, इन्हें माइक दें। चलें बताएं 150 दिन वाला या 150 साल वाला। 150 दिन। 150 दिन वाला कह रहे हैं और इनका जवाब भी दुरुस्त है, माशाल्लाह। जी अगला सवाल है आपसे, कुरान पाक में किस फरिश्ते को रूहुल कुदुस का नाम भी दिया गया है? ऑप्शंस: हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। चले जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब तो एक तो पता चलिए, तो सारे हाथ उठाएंगे, सारे कहेंगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, चाहे गलत हो या ठीक हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सोच लें, मेरे पास 3 ऑप्शन थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। 3 ऑप्शंस, एक चूज करना है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये कह रहे हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इनका जवाब बोलने से पहले एक बार और सोच लें। सोच लिया जी? मैंने भी सोच लिया है, इनका जवाब दुरुस्त हो चुका है, माशाल्लाह। जी अगला सवाल है, मैं जुबान रसूल किस सहाबी रसूल का लकब है? बगैर ऑप्शंस देख लें। चलें माइक। अबू अय्यूब अंसारी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला। चलें आप बताएं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला। मेरे पास ऑप्शन थे हजरत अनस रजी अल्लाह तआला हो, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला हो, और तीसरा ऑप्शन था हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला हो। और इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। दोनों जगह जवाब दुरुस्त हो रहे हैं। देखते हैं अब कौन बताता है। इस फर्ज नमाज का नाम बताएं जिसमें खुतबा पढ़ा जाता है। नमाज है वो, फर्ज नमाज है। इस फर्ज नमाज का नाम बताएं जिसमें खुतबा पढ़ा जाता है। चलो बताएं। नमाज जुम्मा। देख लें, सवाल सुना दोबारा। उस फर्ज नमाज का नाम बताएं जिसमें खुतबा पढ़ा जाता है। जी आप बताएं। नमाज जुम्मा। नमाज जुम्मा। और इनका जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह। अगला सवाल है आपसे, हलाल जानवर मछली, मछली हलाल जानवर है ना, हलाल जानवर मछली कहाँ रहती है? जी पानी में। पानी में। अच्छा चलो माइक। पानी में। पानी में। चलो बता। पानी में। पानी में। चलो बताएं। पानी में। पानी में। चलो आप ही बताएं। पानी में। हम कहें जमीन पे। जमीन में या जमीन के ऊपर? जमीन के ऊपर। जी हम तो जमीन के ऊपर हैं। मेरा सवाल था हलाल जानवर मछली कहाँ रहती है, इन्होंने कहा पानी में, और इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। अगला सवाल है आपसे, किन बुजुर्ग के मजार शरीफ के गुंबद में ये 2 कलर हैं, ब्लैक और वाइट? ऑप्शन: ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप भी बताएंगे? आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह। 2 इख्तलाफात हो गए हैं जी। और के बताएगा? और के बताएगा? नहीं आप ये नहीं कहिएगा कि आप ये कहें, ठीक है? क्या पता वो तीसरा कह दें। चलें आला हजरत। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह। 2 मौकफ आ चुके हैं आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के। जी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। आसान आसान सवालत हुए आसान आसान जवाबत आए। और आप दोनों के मार्क्स बराबर नहीं हुए, क्योंकि 1 मार्क्स इनके पास पहले से था, 5 मार्क्स आपके और 4 मार्क्स आपके हैं, हमारे हैं यानी आपके हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ कोर्स लेते हैं। जी कोर्स प्ले करें। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ।
मेरे प्यारे प्यारे हसन भाई, आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है पहले पारे से। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वज़ल। और आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अनवार रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है सूरह बकरा कुरान पाक के पहले पारे में है। मुकेश मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। सूरह बकरा पहले पारे में है और आपका जवाब दुरुस्त है। पहले पारे से शुरू होती है वरना तो दूसरे पारे में भी है, तीसरे पारे में भी है ना जी। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं माशाल्लाह। प्यारे बच्चों कुछ हिसाब किताब की तरफ चलें जी। कुछ हिसाब किताब करते हैं, देखते हैं। हिसाब किताब पहले कर लेते हैं ना ताकि थोड़ा बहुत चले। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चल के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हिसाब हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम जी। तो प्यारे बच्चों सेगमेंट है हिसाब किताब, इसमें आपने करना होगा हिसाब और किताब। कैसे करना होगा हिसाब तो कर लेंगे आप, किताब फिर कैसे करना होगा? आपने हिसाब करना है फिर इस्लामी नस्बत भी बतानी है। टीम ए से स्टार्ट करें, टीम बी से? चले दिल की जानिब से स्टार्ट करते हैं। टीम बी से कौन आएगा? वैसे अब तो मेरा सीधा आती है। चले आप आएंगे? चले आ एक माइक मुझे दे दें जी। 12 - 10 अल्लाह अकबर। 12 - 10 ऐसे बताएं आप कर लेंगे। अच्छा नहीं, बातें करने की इजाज़त नहीं है, इशारे करने की भी इजाज़त नहीं है जी। जी क्या कह रहे हैं? 4 जी। 12 - 10 4 होते हैं जी। कैसे? 12 - 10 ये तो माइनस है। माइनस 4 12 - 10 4 किस तरह समझाए ना? 12 - चले आप ये पकड़ देखिएगा नहीं, ये 10 है। 10 देखिए आप, ये 10 है, ये 2 हैं, ये कितने हो गए? 12 हो गए। अब 12 - 10 निकालें। देखिए भाई 3, 6, 9, 10, 11, 12 ये 12 हो गए। 12 में से मैं निकाले 2, अब गिने कितने हो गए? 3, 6, 9 और 5। यारे भाई 12 में से 10 निकालेंगे कितने बच गए? 4। आप 10 में से 2 प्लस करें कितने हो गए? 12 हो गए। अब वही 12 में से 10 निकाल लें कितने हो गए? 4। 2 हो गए ना? 2। चले मैं आपको बात में समझाता हूँ। ये 4 आपने लगाया ना, आपका जवाब तो हो गया गलत, दुरुस्त नहीं हुआ। दुरुस्त जवाब मैं लगा देता हूँ ठीक है। देखते हैं मुझे मिलता है नहीं मिलता। मुझे तो मिल गया। जी 12 - 10 कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इस्लामी नस्बत बताने के लिए आप में से कौन आएगा? आप ही में से आएंगे ना कोई ना कोई जी। कौन आएगा? आप आएंगे? चले आज 12 - 10 2 2 से कोई इस्लामी नस्बत बताएं। देखते हैं आप बता सकते हैं नहीं। वैसे बाजू का जहन में चीज़ें होती है लेकिन जब फील करना आते हैं तो जहन से निकल जाती है। वैसे हम इल्मे दीन सीखने के लिए बैठे हैं तो इंशाल्लाह इल्मे दीन सीखेंगे भी और दूसरों को सिखाएंगे भी जी। कोशिश करें जी। जी मैं पकड़ लेता हम लगा। क्या लगा रहे हैं आप? देख जाए मैं कर देता हूँ, ये पकड़े आप।
लिखा है जी माँ गुना क्या लगाया आपने आप इधर आ जाए इधर आ जाए जी क्या लगाया आप खुलफाए राशिदीन पक्की बात है वैसे खुलफाए राशिदीन तो चार हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने तो यानी अंदाज़ा लगा दिया चले मैं लगा तो इस्लामी नस्बत आपका तो जवाब हो गया गलत बेटा बेटा नमाज वितर में कानों तक हाथ उठाना इसका जवाब तो ये है जी अब आपका ये भी जवाब गलत देखिए दो 12-10 2 आ गया और नमाज वितर में कानों तक हाथ उठाना प्यारे बच्चों नमाज वितर में टोटल 2 मरतबा कानों तक हाथ उठाए जाते हैं ना 2 मरतबा उठाए जाते हैं तो एक तकबीर जब नमाज शुरू करते हैं तब उठाया जाता है और दूसरी दुआ कनूत पढ़ने के लिए हाथ तकबीर उठाया जाता है यानी तकबीर कहते हैं ना अल्लाहु अकबर पे दुआ कनूत पढ़ते हैं ठीक है तो आपका ये भी जवाब गलत हो गया आपके इल्म में यकीनन इजाफा हो गया होगा जी टीम ए से कौन आएगा आज 25 + 6 + 6 12 नहीं है इसमें 25 है फिर प्लस 6 है फिर प्लस 6 क्या बनाइए माशाल्लाह सोच लें यही है अच्छी बात है कि चलें आप माइक में बताएं क्या कह रहे हैं आप 37 25 + 6 + 6 37 पक्की बात है चलें इधर आएं आप पक्की बात है सोच लें जी चलें अगर आप दुरुस्त कह रहे हैं तो आपके टीम मेंबर से किसी को बुलाते हैं वो इस्लामी नस्बत बताए जी माइक आप तशरीफ रखिए जी आ जाए आप आ जाओ क्या कहते हैं आप इसका 37 आ रहे ना इस्लामी नस्बत बतानी आप वैसे हार्ड हो जाएगा ना इस्लामी नस्बत कर सकते हैं कहते हैं आसानी हो जाएगी सही है अच्छा चलें आपने क्या लिखा है आ जाए इधर अम्मा पारे में टोटल सूरते हैं जी अम्मा पारे में 37 सूरते हैं सोच लें अरे सब सही कह रहे हैं जी आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह माशाल्लाह टीम बी से कौन आएगा देखा तो नहीं है आपने स्क्रीन में चलें आ जाए 2 + 3 2 + 3 आसान है 5 क्या कह रहे हैं इधर आ जाए 2 + 3 = 5 होते हैं अच्छा चले तशरीफ रखें जी इस्लामी नस्बत अब तो आए ना अभी कहीं और है आ जाए फिर से आ जाए क्या कहते हैं आप बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से तो आसान है ना अब देखते हैं ये लगा पाते या नहीं दुरूद पाक पढ़ते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले तो आपने तुक्का लगा दिया था अब तुक्का नहीं लगाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह रहे हैं इधर आ जाएं दिन भर में होने वाली इकामतों की तादाद आपका जवाब भी दुरुस्त है आपको कैसे पता चला चले आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह जी टीम ए से कौन आएगा आ जा माइक वहीं छोड़ दें एक माइक है हमारे पास 11 - 4 ढूंढे प्यारे बच्चे दुरुस्त पाक पढ़ते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं मशवरा करने की इजाजत नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गिन ले, गिन ले, आराम से गिन ले, फिर मसला नहीं है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 11 minus 4, ये तो आप 7 लगा रहे हैं क्या? अच्छा लगा आराम से। जी जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप कह रहे हैं 11 minus 7? ओ 11 minus 4 7 होता है जी। पक्की बात है जी। चलें फिर आप अपने टीम में से किसी को बुला लें जो इस्लामी नस्बत बताए। चलो आप खुद बुला लें, कौन आएगा? अब्दुल हादी, चल आ जा अब्दुल हादी भाई, आ जा जल्दी से आ जाए। 7 से कोई इस्लामी नस्बत बतानी है आपने, कोई इस्लामी नस्बत हो जिसमें कोई 7 का वर्ड आता हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो 7 हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। जी क्या कह रहे हैं आप, नमाज मगरिब की रकातें जी? चलें गिनवाएं, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए जी। 3 फर्ज 3 फर्ज, 2 सुन्नत कितनी हो गई? 5। 2 निफल कितनी हो गई? 7 7, यानी 7 हो गई। और आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस सेगमेंट में टीम ए और टीम बी बराबर बराबर हो गई है, लेकिन हो गई है ना, 1 मार्क्स तो आपका कट गया। क्यों कटा? आपने सवाल का जवाब गलत दे दिया था। टीम ए और टीम बी बराबर बराबर हो गई है। क्या कुछ आगे सेगमेंट करना है या नहीं? चलो कुछ कॉल्स प्ले करें। मेरा नाम असद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे हसन भाई, आज के सवाल का जवाब है पैलेस पारे से, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। आमीन। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम सारा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे हसन भाई, आपके सवाल का जवाब है पैलेस बारा जिजा कुलाव खेड़ा जी। पहले बारे से शुरू होती है। और आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाल्लाह जी। और कुछ लें जी? जी मेरा नाम नैम हुसैन है, आज मैं आपको एक बात सुनाऊंगी। हमेशा हमको नमाज पढ़नी चाहिए, हमेशा हमें नमाज पढ़नी चाहिए, माशाल्लाह। बहुत प्यारी बात बताई आपने, माशाल्लाह। मुहम्मद मुस्तफा सच्चे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सच्चे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सच्चे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सच्चे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सच्चे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सच्चे आखिरी नबी, है शफी अकीदा सब सहाबा का सच्चे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सच्चे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सच्चे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सच्चे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सच्चे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सच्चे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा सच्चे आखिरी नबी, नारा सबसे आखिरी नबी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में, जब तक आप अपना जरूर ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।